नमस्कार, इन विषय के दर्शकों का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। चर्चाओं का दौर इन विषय के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। इस वक्त जो है, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो कोरोना का दौर है। इसके बावजूद भी कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर हम नागपुर की बात करें जो बिल्कुल ऐरणी पर है, हम ऐसा कह सकते हैं। इन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा जो था महानगर पालिका प्रशासन का था, जिसमें प्रशासकीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों के बीच में कहीं ना कहीं एक समन्वय का काफी अभाव था। इस समन्वय के बीच में ही आम सभा भी हुई। आम सभा के नतीजों के बीच में जो आयुक्त है माननीय तुकाराम जी मुंडे और जनप्रतिनिधि, इनके बीच कहीं ना कहीं समन्वय का जो अभाव दिखाया गया। आइए आज इसी विषय पर हम बात करते कि किस तरह से जनसुनी हुई है। आज इस चर्चा में हमारे साथ में है महानगर पालिका के जो भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवक है, एडवोकेट मेश्राम जी। नमस्कार सर, स्वागत। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे बार बार बात करते हैं, लेकिन आज के बातचीत का औचित्य कुछ और भी है। आज परिस्थिति कुछ और हो गई है, क्योंकि आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो मीटिंग हुई वो भी संपन्न हो चुकी है। मैं चाहूंगा सर, शुरुआत से आपने इस समन्वय को साधने की बार बार कोशिशें की, इनिशिएटिव्स लिए, और खुद आपने कई ऐसे मुद्दे उठाए कि जो कि जनप्रतिनिधियों का आपने नेतृत्व करने की भी कोशिश की। कैसे, क्या आज की परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? नागपुर महानगर पालिका में जी माननीय आयुक्त जी इस पद पर तुकाराम जी मुंडे आए जी, उस दिन से जो कुछ लोगों के दिल में, दिमाग में या चर्चा में आपके माध्यम से, कुछ वर्तमान पत्रों के माध्यम से जो गया जी, वह सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। और जैसा कि माननीय तुकाराम जी मुंडे साहब का पूर्व इतिहास रहा है जी, उनके बारे में जो कहा जाता है कि 12 साल में 13 बदलियां लेने वाले माननीय आयुक्त है, और लोगों के बीच में एक आम चर्चा उनके प्रति है जी, कि प्रशासनिक जीवन में ऐसा पहला प्रशासकीय अधिकारी है, IAS जो है उनके समर्थक है जी, उनका पब्लिक में जी, उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनसे प्रभावित लोग, उनके अपने एक अलग फैन फॉलोइंग है, एक अलग फैन फॉलोइंग है, जो कि सिर्फ हिंदी चित्रपटों में या अंग्रेजी चित्रपटों में देश विदेशों में जो पाई जाती है जी, ऐसी उनकी भी एक फैन फॉलोइंग है जी। लेकिन चूंकि जो कुछ IAS अधिकारी और वो भी एक महानगर पालिका में, एक स्वायत्त संस्था में आयुक्त इस ओहदे पर बैठने के बाद, उस कुर्सी पर बैठने के बाद जी, उनका एक अपना दायरा हो जाता है। वो दायरे के अंदर, उस फ्रेम के अंदर में काम करना अपेक्षित होता है जी। पर यहाँ जैसा कि हम लोग देखते आ रहे, पहले से 12 साल में 13 बदलियां लेने वाले माननीय तुकाराम जी मुंडे साहब कोई भी संवैधानिक फ्रेम को नहीं मानते। वो फ्रेम तोड़कर एक अलग दिशा में, अलग पद्धति से, उनके जो अपने रूल्स है, मुंडेज रूल्स फॉर, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिश्रा साहब वो तो बोलते कि मैं सिर्फ कायदे कानून का ही पालन करता हूँ। वो तो मैं ये बोल रहा हूँ पहले दिन से कि वो आकर आमने सामने चर्चा करे कि कौन से कायदों का पालन करते। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 का पालन करते, या उनके कोई अपने कायदे है यानी रूल्स ऑफ मुंडेज फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसा कोई उनका अपना अलग एक्ट है क्या? इसमें भी हमको संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी चीजें, जितने भी कारण, जितने भी बातें अभी तक की बताई है, वो मैं खुद भी एक वकील हूँ और मैं जानता समझता हूँ कि उनकी सारी बताई गई बातें इस फ्रेम को, इस रूल्स को मानने वालों में से नहीं है, उसको जानने वाले भी नहीं है, ऐसा भी मेरा आरोप है। यही मैं आपके माध्यम से बता सकता हूँ। आज जो घटना हुई है, आज जो डिस्कशन हुआ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो मीटिंग थी, उसकी जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उसमें कहीं ना कहीं करार, उसके बाद में हमने महापौर, माननीय महापौर जी की जो बातें हैं वो भी सुनी, और उसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं ये जो एक काल्पनिक ये था, और उसमें उन्होंने जो लेटर वगैरह मुंडे जी ने दिखाया था उसकी औपचारिकता अब शून्य हो गई है। तो अब क्या स्थिति है, अब क्या है, मतलब उसकी स्थिति? रत्नाकर जी, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने जो लेटर दिखाया था जी, कि प्रवीण परदेशी साहब ने मुझे लेटर दिया है, अपॉइंट किया है, वो सारी बातें आज पहले मीटिंग के बाद में, स्मार्ट सिटी की मीटिंग के बाद में, वो सारे तथ्य सारे के सारे झूठे निकले हैं।
ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि मैं स्मार्ट सिटी के NSSCDCL कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ जी, वहाँ पर्टिकुलर क्या हुआ है उसकी जानकारी मुझे नहीं है जी, पर फिर भी आपके माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है कि आज वो CEO पद पर नहीं है और उनका इंडक्शन भी नहीं हो पाया जी, इससे हमको पता चलता है। जो बातें मीटिंग के पश्चात जो बातें, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, मुझे पता नहीं आपने वो सुनी है या नहीं है, उसमें ये माननीय महापौर जी ने जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट उनकी थी उसको परदेसी साहब ने, जो चेयरमैन है, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा गया था कि मैंने कभी भी उन्डे साहब को ये नहीं बोला था कि वो इसका पदभार संभाले, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आपको इसकी देखरेख करनी है, कोई प्रशासनिक अधिकार या कोई भी ऐसे अधिकार उनको दिए नहीं है। अब महापौर जी ने या पूरे बॉडी ने उस पर यह डिसीजन लिया है कि इसकी एक लीगल कमेटी बनेगी और उसका लीगल वेटेज देखने के बाद इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के पश्चात जो निर्णय होगा उसको एक उसको फॉलो किया जाएगा। मिश्रा जी, आप खुद एक वकील है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इसका जो लीगल वेटेज है वो क्या हो सकता है? अगर परदेशी साहब ने खुद बोला है VC के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी, और ये ऑथेंटिक मीटिंग है और वहाँ मिनट्स मिनट्स भी होंगे जी, तो ये सारी चीजें माननीय अध्यक्ष जो स्मार्ट सिटी के है आज जी, NSSCDCL के जी, जी, अगर उन्होंने कहा है कि तुकाराम मुंडे साहब अगर CEO नहीं है और मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया जी, तो फिर इसके पहले जो माननीय मुंडे साहब ने मीडिया के सामने कैमरा के सामने जो पत्र दिखाए वो कौन से पत्र थे यह जानने की निश्चित रूप से उत्सुकता इसी बात की इंक्वायरी होगी कि वो लेटर कौन से जो थे जो दिखाए जा रहे थे, और ये अगर रिकॉर्ड में आया हुआ है, मीटिंग के मिनट्स में आया है, अगर परदेशी साहब स्वयं बोलते कि मैंने ऐसा कोई लेटर इश्यू नहीं किया और मैंने सिर्फ इतना बोला है कि अभी वो CEO रामनाथ सोनोने साहब ने राजीनामा दी अपने ओहदे से, तो आप उसकी देखरेख करेंगे, उसको आप देखेंगे, उसके तरफ ध्यान देंगे जी, क्योंकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आप रिस्पांसिबल अधिकारी है और जब तक कोई लीगल एक मीटिंग नहीं होती या बात आगे कार्रवाई नहीं होती तब तक आपको इसकी सिर्फ देखभाल करनी है। लीगल प्रोसीडिंग्स के बगैर, इंडक्शन के बगैर, आपके पदस्थापना के बगैर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मान्यता के बगैर ना आप डायरेक्टर बन सकते हैं और ना ही आप उसके बाद तो सवाल निपटा कि आप उस कंपनी के CEO बन सकते हैं, और आज तो जाहिर हुआ है जी। और इसके साथ में जो उन्होंने मॉनिटरी ट्रांजैक्शन किए उसकी भी तो इंक्वायरी होगी फिर, निश्चित रूप से होगी। और मसला ऐसा है कि भी जो अगर वो CEO नहीं है, परदेशी साहब ने भी नकारा है जी, तो वो कौन से लेटर का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जहां पर स्मार्ट सिटी का अकाउंट है जी, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट थे, कौन से ऐसे कागजात थे जिनके आधार पर वो साइनिंग अथॉरिटी बने जी, और अगर साइनिंग अथॉरिटी बनने की उनकी अगर ये नहीं है, कानूनन वो नहीं है, तो कौन से अधिकार में उन्होंने रुपए निकाले, इसकी भी इंक्वायरी जरूर होगी और होनी भी चाहिए। और इसीलिए माननीय महापौर संदीप जी जोशी है या सत्ता पक्ष नेता संदीप जाधव जी है, ये सब लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट है, ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, ये न्यायालयीन प्रक्रिया के मार्फत अब तो सभी को जाना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं, एक जगह पे यह है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर बात करें तो नागपुर की जो कोरोना की स्थिति है उस स्थिति को निपटाने के लिए तुकाराम मुंडे जी महान माननीय आयुक्त का काफी नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्या इसमें जनप्रतिनिधियों का कहीं पर भी सहभाग उन्होंने नहीं लिया, या अगर ये लिया जाता तो स्थिति और बेहतर नहीं हो सकती थी नागपुर की? यही बात है कि हवा बनाने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी आजकल समाज माध्यम है, टीवी चैनल से मीडिया है, इनको कौन किस प्रकार से हैंडल करता है और किस प्रकार से लोगों तक पहुंचता है, उस पर क्या ये सब चीजें निर्धारित होगी, तो मेरे हिसाब से नहीं होगी। अगर आपके पास समय है तो मैं एक उदाहरण भी आपको इस बारे में देना चाहूंगा। जी बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जी, और वो टेक्नोक्रेट थे, आप भी जानते हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी लाया है, सबसे पहले दूरचित्रवाणी भी लाने का काम उन्होंने किया जी, जी, जी। एक महिला पत्रकार ने स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी से पूछा कि देखिए राजीव गांधी जी कितने क्यूट लगते हैं, तो प्रमोद महाजन जी ने उन्हें जवाब दिया था क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि आप दूरचित्रवाणी के माध्यम से आपके डायरेक्ट वो ड्रॉइंग रूम तक, बेडरूम तक पहुंच सकते हैं। तो ये कहने का मतलब इस यहाँ का एक पार्ट हटा दीजिए, लेकिन अभी जो समाज माध्यम है, जिस प्रकार से मुंडे साहब उसको हैंडल करते हैं,
जिस प्रकार से उनका उन पर वो काम करते हैं, या वो या उनके कोई भी समर्थक होंगे, उनके कोई लोग होंगे, या उन्होंने अपॉइंट हुई कोई एजेंसी होंगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर ऐसे लोगों के माध्यम से नहीं, अगर इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए तो महानगर पालिका का खुद अपना पीआरओ डिपार्टमेंट होता है जो मीडिया तक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका आना। पीआरओ डिपार्टमेंट होने के बाद, यही तो मेरा ऑब्जेक्शन भी है कि पीआरओ डिपार्टमेंट होने के बाद मैंने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि सीडेट कंपनी को आपने जो 3 वर्क ऑर्डर दिए, 3 कार्यादेश, अगर हमारे पास में पीआर डिपार्टमेंट है, अगर हमारे पास में आईटी की एजेंसी भी पूरी अपॉइंटेड है, इसके बाद भी आपने एक नई नासिक की कंपनी लाए, आपने पूना की एक नई सीडेट कंपनी लाए और उसको अगर आपने वर्क ऑर्डर दिए, कार्यादेश दिए, तो यह तो आश्चर्य वाली बात है। तो आप यही पीआर एजेंसी को ऑफर दीजिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो कोई एजेंसी होगी या उनके जो काम करने वाले अलग लोग होंगे, उनकी जो अलग टीम होगी, वो टीम के माध्यम से ये इस प्रकार से एकदम पॉलिटिसाइज होकर या दूर दूर तक लोगों के दिलों तक, लोगों के दिमागों तक, मैं नहीं बोलता कि दिलों तक पहुंचने का प्रयास उन्होंने कभी किया रहेगा, पर उन्होंने लोगों के दिमागों तक और लोगों के घरों तक पहुंचने का निश्चित रूप से उनके माध्यमों के जरिए प्रयास किया है और जिसमें वो काफी मायने सक्सेसफुल भी हुए हैं। पर सीन रत्नाकर जी ऐसा नहीं है। एक्चुअल सीन जो है, यहाँ का सर्वहारा आदमी, यहाँ का जो क्लास फोर आदमी है, यहाँ का जो रोज झुग्गी झोपड़ी में रहकर जो गडर चौकेश के लिए जाता है, जो दवाइयां बांटता है, जो झाड़ू मारता है, सफाई करता है, उस आदमी का योगदान है। और नागपुर शहर का जो भौगोलिक स्थिति है जी, एक अच्छी भौगोलिक स्थिति है, उसका फायदा इस कोरोना सदृश परिस्थिति में हुआ है जी। और देखिए आज के सिनेरियो में महाराष्ट्र राज्य के अंदर और COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा जी, जी। अगर आप जितने भी अभी टेस्टिंग लेंगे जी, हर आदमी में कुछ न कुछ प्रमाण में कोरोना का विषाणु पाया जाएगा जी। तो आप जो ऐसे दिन ब दिन रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और काफी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं हो रही है। आज मुंबई की जो स्थिति है, कल्याण, ठाणे, पुना, नई मुंबई, रायगढ़ और ये नागपुर और यहाँ से औरंगाबाद, मालेगांव, ये सारी जो स्थिति है, आज हमारे पास में कोई भी प्रकार से अगर टेस्टिंग करने की व्यवस्था पूरी तरह कैसे उपलब्ध होगी, तब जाकर कहीं आपको कोरोना की सच्चाई क्या है और कोरोना के पेशेंट्स कितने हैं, वह तब तक पता नहीं चलेगा जब तक इन सारी स्थितियों में से हम लोग जाएंगे नहीं। पर तकलीफ इस बात की है कि हमारे गवर्नमेंट के पास भी, आज राज्य शासन भी पूरी तरीके से फेल हुआ है। हम पीपी किट अवेलेबल नहीं कर पाए, हम लैब टेस्टिंग करने की व्यवस्था नहीं लगा पाए, इसलिए हमको लग रहा है ऐसा कि कोरोना के पेशेंट्स नहीं है। ये स्थिति अभी सब जो चीजें हैं आपके सामने है। सिर्फ नागपुर अगर अच्छा है तो भौगोलिक स्थिति और अभी जो यह हम योग है कि अब तक नागपुर अच्छा था, लेकिन रोज आप अगर देखें तो परसों 72 आंकड़े थे, उसके बाद में 62 हुए और कल 183 के लगभग आंकड़े, जिसमें से 132 तो सिर्फ सेंट्रल जेल के हैं। तो अब नागपुर कहाँ सुरक्षित रहा, और दिन ब दिन मौत जो है, कोरोना संक्रमितों के मौत के आंकड़े भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा हम एकदम इस तरीके से, इस प्रकार से हम कोई भी चीज का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अब जहां देखिए सेंट्रल जेल की बात है, वहां तो 132 है, जितने आप टेस्ट करेंगे, मास टेस्टिंग करेंगे, तो वहां पर ज्यादा पेशेंट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें डरने और घबराने वाली कोई बात है नहीं, जिनका इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। और कोरोना, मुझे भी ऐसा, मैं इसका तज्ञ नहीं हूं, पर जरूर मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की जो सदृश परिस्थिति जो पहले थी, आज वो निश्चित रूप में नहीं है। लोगों के दिल में सबसे बड़ी बात ऐसे कि डर नहीं होना चाहिए, और डर रहेगा तो आजकल लोग एक्सीडेंट से कम मरते हैं और एक्सीडेंट से होने वाले हार्ट अटैक से ज्यादा मरते हैं, ट्रॉमा से ज्यादा मर जाते हैं। हाँ, तो यही चीज कोरोना बाधित पेशेंट्स के साथ भी है। आज कोरोना बाधित पेशेंट जितने भी है, उनका प्रमाण 97% अच्छे होने वालों में से है। तो जी, रिकवरी रेट, बिल्कुल रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। बात इस चीज की है कि अब दूसरा एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे चलते चलते, मेशराम साहब, आपको क्या लगता है जो बढ़ते आंकड़ों के बीच यूपी में जैसे लॉकडाउन हो गया, तो क्या लॉकडाउन ये उपाय है आज की स्थिति में? अब तो हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए लॉकडाउन ये जरूरी है, पर मिशन बिगिन अगेन ये मजबूरी है जी। क्योंकि अगर सर्वहारा आदमी, काम पर जाने वाला आदमी, ऑफिस में जाने वाला आदमी,
वो अगर अपने काम पर नहीं जाएगा तो शायद अपने जैसी आर्थिक परिस्थिति रहने वाले भारत देश में वो तो पहले भूख से मरेगा, वो बाकी चीजों से मरेगा। तो यह सब नहीं होने के लिए उसको काम पर भी जाना जरूरी है। पर सबसे अच्छी बात है एहतियात बरतना, अपने हाथ बार बार साफ करते रहना, हर बात में मास्क वापरना ज्यादा से ज्यादा बार, जब तक अकेले हो तब तक ठीक है, पर अगर आप अकेले नहीं है तो जरूर मास्क का वापर करना और अकेले रहना, यही उसमें बेहतरीन उपाय और कारगर भी साबित ये उपाय हुआ है। जी मिश्रा साहब, चलते चलते एक विषय के ऊपर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। आम सभा जब हुई थी आखिरी के दिन जो मेडिकल अधिकारी है घंटावार जी, अब उनके ऊपर में कार्रवाई की क्या कंडीशन चल रही है या उसका क्या फॉलोअप है? मुझे 20 तारीख की जो आम सभा हुई, जनरल बॉडी मीटिंग हुई नागपुर महानगर पालिका की, और उसमें निवेदन देने के लिए जब माननीय आयुक्त तो तुकाराम जी मुंडे साहब खड़े हुए जी, और जिस प्रकार से माननीय पीठासीन अधिकारी माननीय महापौर जी ने आदेश दिए कि निवेदन देना है आपको, तो आयुक्त करके निवेदन देने वाला यह व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर है, अपना दायरा, अपना सारी चीजें, मर्यादा सब जानता समझता है, वो आदमी छाती ठोक कर और पीट कर अगर सभागृह के सामने बात करेगा तो यह क्या सभागृह का सिर्फ नहीं तो नागपुर शहर के 35 लाख लोगों का अपमान है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इस प्रकार से अगर कोई बात करेंगे तो मैंने ये भी बोला था कि माननीय आयुक्त जी अनेक विषयों में, अनेक मामलों में उन्होंने सदन की, सभागृह की दिशा भूल की है। डॉक्टर प्रवीण घंटावार जी और उनकी सौभाग्यवती श्रीमती शिलू घंटावार जी, इनके संदर्भ में भी उन्होंने सभागृह में एक हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ के बताया जी। मुझे ये बताइए, इस देश की लोकशाही 3 पहियों पर खड़ी है, पहले तो जो स्वायत्त संस्था संसद है, दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है और तीसरी न्यायपालिका है। एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख करके आयुक्त साहब ने न्यायालयीन आदेश का सभागृह में पढ़ना, मैंने तो इसी पर आपत्ति ली कि क्या आप इसके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि जो नोटिस नागपुर महानगर पालिका ने डॉक्टर घंटावार जी के खिलाफ में उनको सर्विस किया था नोटिस जी, उस नोटिस के साथ स्टैंड रहकर उन्होंने ये बोलना अपेक्षित था कि हाँ ये कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिया हुआ है और ये हमने स्वीकारते है कि नोटिस दिया हुआ है, यहाँ नोटिस देते वक्त इन इन चीजों की खामियां रही है, हम इस नोटिस को दुरुस्त करते हैं और माननीय न्यायालय के निदर्शन में यह भी लाके देंगे, करेक्टेड वर्जन उसका था, करेक्टेड था, क्योंकि यह जो अपेक्षा है एग्जीक्यूटिव व्यवस्था के प्रमुख से, यह अपेक्षा वो पूरी करते हुए नहीं दिखाई दे। दूसरा मुद्दा ऐसा भी था कि उन्होंने शिलू घंटावार जी के मसले पर 180 दिन की बिन पगारी रजा, यानी हमने बिन पगारी रजा दे दिए। भाई साहब, कंप्लेंट तो उसी बात की, आप मंजूर करने वाले होते कौन है और इस छोटे हम लोग एक्शन कहेंगे? एक एग्जीक्यूटिव व्यवस्था के प्रमुख से उस पर एक्शन लेना अपेक्षित था, जबकि वो बता रहे कि हमने 180 दिन की उनको बिन पगारी रजा दे दिए। ये कौन से कानून में, कौन से व्यवस्था और इससे ये सजा से उनको फर्क भी क्या पड़ रहा है? और ये सजा ही नहीं है सबसे बड़ी बात, इट्स नॉट ए पनिशमेंट। यह तो आम लोगों ने समझना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ उनके समर्थकों को भी, और हमारे हर चीज पर अपनी कमेंट, अपने अभिप्राय देने वाले उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोगों को, कि यह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी हुई संवैधानिक व्यवस्था है और आप एक कार्यपालिका के कार्य प्रमुख होने के नाते जो जो सवाल लोक प्रतिनिधि के माध्यम से सदन में उठाए जाएंगे, सदन के बाहर उठाए जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और सवाल तो उठेंगे सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, और आपने एज ए प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते उस पर क्या एक्शन किए हैं वो बताना आपका कर्तव्य है, और यही संवैधानिक व्यवस्था है। अगर आप इस व्यवस्था को नहीं मानते, नकारते, तो आपको नमस्कार है, हम आपके हक को नहीं छीनना चाहते, पर आप क्या नगर सेवकों के, लोक प्रतिनिधियों को हक को छीनना आप अपना कर्तव्य समझते? तो भाई आप खुद समझदार है, हम इस बारे में क्या कहेंगे। और उनके समर्थकों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि संवैधानिक व्यवस्था को मानना सिर्फ इतना ही काम नहीं है, तो संवैधानिक व्यवस्था कैसी और मजबूत हो, उसका परिपालन किस प्रकार से हो, यह भी जिम्मेदारी हमारी सबकी भी है, तुकाराम मुंडे साहब की भी है और उनको चाहने वाले उनके समर्थकों की भी है।
वो हर कहीं ना आदमी कहीं के लिए, कहीं ना आपके कहीं लिए समन्वय का होना भी बहुत जरूरी होता है। समन्वय होना बहुत जरूरी है, ये पर एक एक समन्वय की प्रकार का पहल कौन करेगा? क्या सिर्फ हम अकेले लोक प्रतिनिधि, क्या सिर्फ महापौर साहब पहल करेंगे समन्वय की? क्या सिर्फ लोक प्रतिनिधि पहल करेंगे समन्वय की? क्या उनके उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती? वो है कौन? क्या हुक्मशाह है? इस देश के संस्कृति ने और इस देश के संविधान ने क्या हिटलर पैदा होने दिया कभी? यहाँ से हजारों साल का स्वतंत्रता का इतिहास है इस देश का, स्वतंत्रता के बाद भी और स्वतंत्रता के पहले भी कभी हिटलर यहाँ इस देश की मिट्टी में पैदा नहीं पाया, ना जी पाया ना जी पाएगा, तो हम कैसे माने? जैसा कि आपने कहा है मिश्राम साहब, कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में किसी भी हिटलर शायद का प्रावधान कभी किया नहीं, तो भारत देश में भी ऐसा प्रावधान कभी हो नहीं सकता। एक बहुत अच्छा संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे देश को दिया हुआ है। चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा मिश्राम साहब, कि अब इस कोरोना के परिप्रेक्ष्य में आप अपने प्रभाग के जनता को, जितने दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे, क्या ये देंगे कि ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सके? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि केंद्र शासन ने और राज्य शासन ने और नागपुर महानगर पालिका ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो जो सूचनाएं दी है, उन सूचनाओं का कड़ाई से पालन, अपने अंदर उसका आत्मचिंतन कर उस कड़ाई से उन सूचनाओं का, दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। और बहुत ही आशावादी रहिए, बहुत होपफुल रहिए, कुछ होगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। अगर 3 महीने 4 महीने हम लोग काम को नहीं जा पाते, अगर 3 महीने 4 महीने हमारे पास में जेब में पैसा नहीं आएगा, तब कोई हम एकदम मौत के कगार पर जाकर खड़े होने वाले नहीं है। मैं तो धन्यवाद भी देता हूँ केंद्र शासन का, नरेंद्र जी मोदी का, कि जिन्होंने 80 करोड़ जनता को, इस देश का हर आदमी को 5 किलो राशन देने का मुहैया कराया है। राज्य शासन ने भी अपने तरफ से जितनी कोशिश उनसे बन पड़ सकती है अभी की सिनेरियो में, वो भी करने की कोशिश की है। देवेंद्र जी, फडणवीस जी, तो आप देख रहे हैं कि पूरा महाराष्ट्र जिस प्रकार से घूम रहे हो, तो ये जितने भी दिशा निर्देश, यह सब जो व्यवस्था हमको दे रही है, उसी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे हम लोग, और हम अपने खुद को क्वारंटाइन करेंगे तो जरूर कोरोना को हम हरा पाएंगे। इतना ही मैं आपके माध्यम से इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर मिश्राम जी, और मैं दर्शकों से अनुरोध करना धर्मपाल चाहूंगा, माफ कीजिएगा धर्मपाल मिश्राम जी, माफ कीजिएगा, नहीं रखना याद। मैं दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने भी हमें बार बार कहा है, जैसे कि मेश्राम साहब भी हमें इस वक्त बता रहे थे, कि इस वक्त हम एक कोरोना ग्रसित COVID-19 महामारी से जूझ रहे हैं, हमें अपनी केयर खुद करनी चाहिए। ये राजनीति कहिए या ये जो जो प्रशासनिक लड़ाई है, इसके लिए सब सक्षम है, और इसी लड़ाई कहिए इसका जो है एक सुखद अंत जरूर होगा। उसी तरह से कोरोना की लड़ाई का भी सुखद अंत जरूर होना है। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें। मैं मेश्राम जी का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ में इस चैनल पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।